अक्सर मेरी फ्रेंड्स अब मेरे से बात करती हैं और हम सब अब 50 के करीब आ गए हैं, तो ये फीलिंग होती है कि अब हमने सब कुछ कर लिया है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब हम फ्री हो गए हैं। तो मेरे राय में तो ये एक फीलिंग है कि ये तो अब परफेक्ट टाइम है। हमने अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभा ली हैं, हमने अपने माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं, तो अब क्यों ना हम अपने लिए कुछ करें। ये क्वेस्ट ने मुझे नई नई चीज़ें सीखने के लिए एंकरेज किया और उससे मैं क्विल्टिंग वर्ल्ड में पहुंच गई। जो मैं अलग अलग शॉप्स में जाती थी वहाँ पे और अलग अलग क्विल्टर्स को मिलती थी, तो मुझे उनके साथ बातचीत करने में बहुत मज़ा आता था। सोल स्टेट जिसको कहते हैं, मैं उस स्टेट पे पहुंच जाती हूँ। तो एक तरफ मुझे लगता है कि मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और दूसरी तरफ जब मैं उन मेरे जैसे लाइक माइंडेड क्विल्टर्स के साथ इंटरैक्ट करती हूँ, उनके साथ बातचीत करती हूँ, तो मुझे लगता है कि इट्स अ पार्टी एंड आई एम हैविंग अ टाइम ऑफ माई लाइफ। फॉर मी दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई एम गोइंग टू लिव फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली। नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से आज एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम ये गोल्डन गेट का ब्लॉग बनाएंगे, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्लॉग्स जो हैं वो क्विल्टिंग के ABC हैं। तो जैसे हमने इस गोल्डन गेट ब्लॉग के साथ हमने एक पूजा थाली कवर बनाया है, आप इसको पूजा थाली कवर की तरह इस्तेमाल करिए या एक पूजा का आसन बना के यूज़ कर सकते हैं, आसन मैट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हमने ग्रीन में बना लिया है कॉम्बिनेशन में, तो हम इसको ब्लू कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम ये दोनों साइड्स वाले फैब्रिक्स यूज़ करेंगे, एक इसमें लाइट फैब्रिक है और एक इसमें डार्क फैब्रिक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फैब्रिक को अच्छे से आप फोल्ड करिए, काटने से पहले याद रखिएगा कि आपने ज़रा सा ट्रिम करना है। मैंने जब ये पूजा कवर बनाया, ये पूजा आसन बनाया, तो मेरे मन में मेरी नानी जी थी, मेरी नानी सास थी, जिनका नाम, जिनको हम प्यार से नैना बुलाते थे, नानी जी नहीं, नानी माँ नहीं, मेरे पति की फैमिली और उनके उनकी बहनें उन्हें नैना बुलाती थी, और मेरा और नैना का बहुत गहरा रिश्ता था। तो ये जब मैंने बनाया है तो मैंने नैना को बहुत याद करके बनाया है कि अगर वो होती तो मैं उनको ज़रूर देती, क्योंकि वो हर वक्त मेडिटेशन करती थी और बहुत ही ध्यान में लीन रहती थी। तो आई होप नैना इज़ वॉचिंग मी एंड शी इज़ ब्लेसिंग मी फ्रॉम देयर। तो अब इसको जो हम काटेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये थोड़े से डिफरेंट डायमेंशंस हैं, इनको हम 2x7/8 यानी 3.25 इंच के उसमें पट्टा काटेंगे। अब हम इनको स्क्वायर्स बनाएंगे। तो जैसे हमने 3.25 इंच के पट्टे काटे हैं, स्ट्रिप्स काटे हैं, अब हम इनको इस तरह से 3.25 इंच के स्क्वायर्स बना लेंगे। अब आप देखिए ये दो स्क्वायर, दो ट्रायंगल्स हैं जिनको हम बनाएंगे, तो इनको हम साथ में स्टिच करेंगे, सिलेंगे, ये जोड़ियां बन जाएंगी एक ऐसे अलग अलग दोनों कलर्स की। हम इनमें से देखते हैं कि ये ज़्यादा लाइट है, तो मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये हमने रॉन्ग साइड पे डायगनल लाइन बनाई है, और ये दूसरे फैब्रिक को भी हम रॉन्ग साइड बाहर रखेंगे, राइट साइड टुगेदर, जो सीधी तरफ है वो अंदर इकट्ठे कर देंगे ऐसे, और उसको हम पिन कर लेंगे। और अब ये जो हमने डायगनल लाइन बनाई है, हम इसके दोनों तरफ सिलाई करेंगे, स्टिच करेंगे, लाइन पे नहीं स्टिच करेंगे, हम इसके 1/4 इंच इस तरफ और 1/4 इंच उस तरफ। बहुत ध्यान से, बहुत हैप्पी स्टेट में रिलैक्स होके आप ये बनाइएगा। अब ये आप देखिए दोनों तरफ मैंने लाइन के दोनों साइड पे 1/4 इंच पे ये स्टिच कर दिया है,
और ये देखिए जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी, जो लाइन हमने बनाई थी, हम अब उसको कट करते हैं। अब जैसे हमने ये दोनों फैब्रिक्स जोड़ दिए तो आप देखिए ये हमारा स्क्वायर बनने लगा है। आप ये जो जहाँ जोड़ा है, जो सीम अलाउंस है, जो ये सीम को आपने जोड़ा है, आप उसको खोल के प्रेस करें। तो अब आप देखिए कि जब हमने इनको खोला और इनको जोड़ा तो ये पीछे का जो उल्टी तरफ का फैब्रिक है ये थोड़ा बाहर निकल आया है। बिल्कुल अगर आपके घर में कोई बिल्ली या कुत्ता हो या आपने देखा हो तो उनके कानों की तरह, तो इसलिए आप पैटर्न्स में इस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो कहेंगे ट्रिम द डॉग ईयर्स। तो या आप कटर के साथ ट्रिम कर सकते हैं या आप सीधा सीजर्स के साथ कर सकते हैं। अब ये चार कोने बन गए हैं। अब हम ये चार पीसेस बनाने की शुरुआत करेंगे। इसमें हमने दो फैब्रिक्स यूज़ किए हैं, एक तो ये ब्लू कलर है और एक जो हमने पहले भी यूज़ किया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है जो आप देख रहे हैं कि चल रहा है। ये जो दोनों तरफ हमने ये वाला कलर यूज़ किया है, दोनों तरफ सेम कलर लिया है, ये थोड़ा सा एक सूत जिसको बोलते हैं एक पॉइंट, वो हम छोटा काटेंगे इस। तो ये है 1 inch by 1/8, यानी एकदम इसको कहते हैं ना छोटा सा, 1 inch से ज्यादा का डायमेंशन। हम इसके दो स्ट्रिप्स काट लेते हैं 1 inch by 1/8। अब हम इसके जो बीच वाला फैब्रिक है हम इसको कट करेंगे एक सूट जैसे मैं कह रही हूँ। तो अब ये जो है ये 1 1/4 के साइज से हम इसे काटेंगे, बहुत ध्यान से फिट कर लेंगे। ये आप खास याद रखिएगा कि ये जब हमने पिन किया है तो हमने राइट साइड टुगेदर लिया है, जो रॉन्ग साइड है वो बाहर है, राइट साइड अंदर की तरफ है। अब हम इसको स्टिच कर देते हैं। ये हमारा एक साइड खत्म। अब हम इसको दूसरी साइड, दो स्ट्रिप्स है ना ये, तो अब हम इस साइड से भी इसको उसी तरह से पिन अप कर देंगे। अब हमने इसको दूसरी तरह से भी पिन कर लिया। ध्यान रखिए कपड़ा खिसके ना, एकदम एक किनारे से किनारे दोनों मिल जाएं, रॉन्ग साइड आउटसाइड, राइट साइड इनसाइड। और अब हम अपना ये वाला बॉर्डर हमारा स्ट्रिप तैयार है। देखिए बिल्कुल इसकी तरह, और प्रेस करने के पहले हम ये जो सीम अलाउंसेस हैं इनको खोल लेंगे। अब ये हमारा स्ट्रिप एकदम रेडी है, आयरन है, और अब हम इसको ऐसे स्क्वायर्स में काटेंगे। तो ये हमारे जो स्क्वायर्स हैं ये भी 2.5 inches के होंगे। हमारे चारों स्क्वायर्स और ये चारों हमारे कॉर्नर्स तैयार हैं। और आप देखेंगे कि हमने इनको इधर से कर रहे हैं, रोज बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है और यहाँ पे ये वर्टिकल बन रहा है। ध्यान रखिएगा कि हमने लाइट साइड बाहर लिया है, लाइट साइड को बाहर लिया है, स्ट्रिप पे भी वही लाइट कलर है, तो ये जो डार्क है हमने इसको अंदर लिया है। ये आप देखिए कि हमारे दोनों टॉप एंड बॉटम के जो रोज हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। बस अब हमें सिर्फ बीच वाला काटना है। देखिए ये हमने इसको भी जमा लिया है,
तो बस हम उसको काट लेते हैं, 2.5 इंच का एक पट्टा काट लेंगे। मैंने दो इकट्ठे इसको फोल्ड कर दिया है, तो मैं दो स्क्वायर्स एक साथ बना सकती हूँ। अब हमारा ब्लॉक फिर से इसको लगा देते हैं, ये 3 रोज बन जाएंगी। हॉरिजॉन्टल का भी ध्यान रखा है, वर्टिकल का भी ध्यान रखा है, और डार्क कलर्स अंदर आ रहे हैं, आप देखिए उसको हमने माइंडफुल रख के अब हम इसको पिन करके एक एक रो को हम रेडी कर देंगे। और फिर आप ये लास्ट वाला इसके साथ असेंबल कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा पहला रो तैयार। ये स्टिच्ड रोज है हमारी, और अब हम इसको तीनों रोज को ऐसे मिलाएंगे। रोज जब मिलाएंगे तो वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो सीम्स जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, जहाँ पे हमने सीम अलाउंसेस को खोल के प्रेस किया है, आयरन किया है, उसको इंटरसेक्ट जरूर करिएगा। इस तरह से आप दोनों साइड्स को ज्वाइन कर लीजिए और ये आपका पहला ब्लॉक तैयार है। हमने इसमें एक छोटा सा बॉर्डर डाला है, जो ये डार्क कलर था जिसका हमें लगा कि बहुत कम यूटिलिटी हुई है, तो हमने कहा इसको थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। तो ये जो बॉर्डर है, ये भी हमने 1.25 इंच के नाप से लिया है। As always, पिन जरूर करिएगा। देखिए हमने दो ब्लॉक्स को एक साथ हमने ये कर लिया है, और अब मैं इसको कैंची से अलग कर लूँगी। अब मैं इसके ऑपोजिट साइड दूसरी तरफ इसी को मैं फिर से मिला लूंगी। हमारे दोनों साइड्स दो ब्लॉक्स के एक साथ रेडी हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे हमने यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो ये 3 है, तो 3 में से हमने 2 पे बॉर्डर लगा दिया है दोनों तरफ। अब हम जो तीसरा है, जो बीच वाला है, उसको हम बस इसी बॉर्डर के साथ जोड़ देंगे। तो हमको कोई और बॉर्डर नहीं लगाना और हमारी एक रो तैयार हो जाएगी। और हम इसको भी इस साइड से अभी पिन कर देंगे, तो हम एक साथ इसको जोड़ देंगे। ये हमारा एक रो तैयार हो गई है, हमारी एक रो तैयार हो गई है। अब इसको हम बहुत ध्यान से प्रेस करेंगे, आयरन करेंगे, क्योंकि हम हर स्टेप पे खोल रहे थे, तो सिर्फ जहाँ पे हमने नया बॉर्डर लगाया है वही स्टेप अब खोलना बाकी है। अब हम ये वाला बॉर्डर बनाएंगे जिसमें ये इंटरसेक्शन जो जहाँ पे हो रहा है को हम कॉर्नर स्टोन बोलते हैं। ये कॉर्नर का है, तो इसके लिए इसको कॉर्नर स्टोन कहा जाता है। जहाँ 4 ब्लॉक इंटरसेक्ट करेंगे वो कॉर्नर स्टोन है। तो अब हम वो कॉर्नर स्टोन काटेंगे। जो पहले हमने काटा था वो 1 इंच बाय 1/8 था, अब ये 1/4 इंच है।
आपको ये सब हमारे पैटर्न में मिलेगा। तो हम इसको स्क्वायर्स में भी 1.25 इंच के हिसाब से काट लेंगे। हमारे ब्लॉक का जो साइज है, ये जहां इंटरसेक्ट करेगा आप उसके बीच में, ये सिलाई में चला जाएगा 1/4 इंच। अब हमको इस साइज से ये वाला बॉर्डर बहुत ध्यान से काटना है। अब मेरे को याद रखना है कि मैंने सीम अलाउंस भी रेडी करनी है, प्रोवाइड करनी है उसके लिए, क्योंकि ये रेडी 6 इंच है, लेकिन हम जब बॉर्डर काटेंगे तो थोड़ा ज़्यादा काटेंगे क्योंकि वो सिलाई में दब जाएगा। तो हमारा ये जो स्ट्रिप होगा ये 6.5 इंच का। हमारे 3 स्ट्रिप्स बॉर्डर्स तैयार हैं और ये हमारे 4 कॉर्नर स्टोन्स, बिकॉज ये हमको 4 चाहिए। 4 कॉर्नर्स हैं, ये देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 4 कॉर्नर स्टोन्स और 3 बॉर्डर स्टोन्स। एक के बाद एक बॉर्डर्स और कॉर्नर स्टोन फिट कर देंगे। अब आप देखिए कि हमने तीनों एक एक साइड कॉर्नर स्टोन जोड़ भी दिया है, बस एक इकलौता है और हम इसको साथ में जोड़ के पूरी चेन तैयार कर लेंगे। तो ये जो लास्ट हमारा कॉर्नर स्टोन है, हम किसी भी एक स्ट्रिप के दूसरी तरफ भी उसको जोड़ रहे हैं। और फिर हम इधर, ये जो दूसरी साइड है जिसमें एक साइड पे कॉर्नर स्टोन हमने जोड़ लिया है, जिस साइड पे नहीं है वो पिछले वाले स्ट्रिप के कॉर्नर स्टोन के साथ आप मिला लीजिए, क्योंकि हमें 2 बॉर्डर्स के बीच में 1 कॉर्नर स्टोन चाहिए। अब हम हर एक उसको एक साथ जोड़ देंगे। ये देखिए हमारा ये बॉर्डर तैयार भी हो गया। अब हम इसको एक बार फिर से प्रेस कर देंगे ताकि ये जो फूला फूला है ये बैठ जाए। बस हम एकदम आखिरी स्टेज पे आ गए हैं। अब आप देखिए हम इसको इंटरसेक्शन से ऐसे मिला के इसको जोड़ेंगे। तो पहले हम सारे कॉर्नर स्टोन्स को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमने कॉर्नर स्टोन जोड़ लिए हैं, अब इसको हम बीच में से ऐसे स्टिच कर देंगे। तो हमने पहले बॉर्डर को कॉर्नर स्टोन्स के साथ, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसको सिल देंगे। जहाँ पे वो इकट्ठा हुआ वहाँ पे प्लीज थोड़ा सा आप एक पुश दे दीजिएगा। तो इस तरह से हमने हमारा पहला बॉर्डर और कॉर्नर स्टोन मिला दिया है। अब हम इसको मिलाते रहेंगे। अगर हम इसको लास्ट बोलें तो हम हमारा जो नेक्स्ट कॉर्नर स्टोन वाला बॉर्डर रेडी है, हम उसको उसी तरह से पिन अप करके उसको मिलाएंगे। फिर उसके आगे हमारी नेक्स्ट रो रेडी है और हम इसको इस तरह से फिनिश कर लेंगे मिला मिला के, और लास्ट में फिर एक बॉर्डर आएगा। तो फिर आप देखेंगे कि चारों तरफ ये वाला कॉर्नर स्टोन वाला बॉर्डर तैयार है। ये फुल्ली पीस्ड टॉप, खाली टॉप, पूजा टॉप, प्रेयर टॉप बिल्कुल रेडी है। आप इसको क्विल्ट करेंगे तो आप इसके लिए बैटिंग यूज़ करेंगे। इसको पैडिंग बोला जाता है। इस पर तरह तरह की आपको बैटिंग्स मिलेंगी, पैडिंग मिलेंगी। किसी में ये डॉट्स होंगे विच आर कॉल्ड फ्यूजिबल बैटिंग्स, किसी में विदाउट डॉट होगा। थोड़ा सा बड़ा काटिएगा जो आपका फिनिश पीस है उससे,
और इसको अगर तो ये फ्यूजिबल है तो इसको प्रेस कर लीजिएगा तो ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा, और अगर फ्यूजिबल नहीं है तो बहुत इजी है, आप इसको हर जगह पे पिन अप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने इसकी लास्ट लेयर भी रेडी करनी है, आपने वो फैब्रिक भी तैयार कर लेना है, उसको काट लेना है इसके नाप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी हिच हो गई है, तो वो आपकी इस स्टेज पे ठीक हो जाएगी। आप इसको हर जगह पे बहुत अच्छे से पिन कर लीजिएगा। सेंटर्स का बीच का खास ध्यान रखिएगा, आप इसको पिन को थोड़ा दिल से लगाइए, कंजूसी से नहीं, क्योंकि वो पीछे बबल नहीं बनना चाहिए। और अब हम इसको स्टिच कर देंगे। इस प्रकार ये आप फिनिशिंग ऑफ द मैट बेबी क्विल्ट, ये आप हमारे अर्लियर डेमोज में देख चुके हैं, अर्लियर ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। हम इसको फिनिश, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, उसको आपने स्टिच इन द डिच करना है, ताकि जो आपके टाके हैं जहाँ दो कपड़े मिल रहे हैं उसी में जाएं, और आप इसको स्टिच इन द डिच करके फिनिश कर लीजिए। अलग अलग देखिए पीछे से कितने सुंदर चेक्स बन गए हैं, और वो आप देखिए ये आपके गोल्डन गेट ब्लॉक के ही स्टिचेस हैं जिसके ऊपर हमने स्क्वायर्स पे स्टिच कर दिया है। और हमारे आपने पहले के ट्यूटोरियल्स में देखा है कि हम इसको फिनिश कैसे करते हैं, जिसको बायस बाइंडिंग भी कहते हैं बाहर, और हम इसे पाइपिंग कहते हैं। तो आप वो फैब्रिक चुन लीजिए और आप उसके साथ बाइंडिंग को फिनिश कर लीजिए हमारे ट्यूटोरियल के साथ। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल गोल्डन गेट ब्लॉक, आप इससे जो मर्जी बनाइए। हमने इसको एक प्रेयर मैट की तरह बनाया है, आप इसको कुशन कवर, बेड कवर, बेबी क्विल्ट, जो आपको चाहिए आप उसे बना सकते हैं।